हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मोमोन बोर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको पता है स्पेशल डे है, गुरुवार है। आज मैं आपके लिए कौन सी कहानी लेके आई हूँ ये देखते हैं। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है, ये मेरे लिए भी बहुत प्रेरणादायी है। मुझे भी ये कहानी पढ़ के पता चला कि मुझे भी मेरे स्वभाव में बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो आपको भी ये कहानी सुन के आपको भी कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो आज की हमारी कहानी है, वो है संत तुकाराम महाराज की। क्या होता है दोस्तों, हम आम इंसान बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, हमारी एक्शन तुरंत दे देते हैं। उस क्रोध में, उस गुस्से में हम किसी को भी बहुत जल्दी कुछ भला बुरा कह देते हैं, बाद में भले ही हमें पछतावा हो, पर क्या होता है, मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं ले सकते। इसलिए संत लोगों का क्या है कि वो इतने जल्दी गुस्सा क्रोधित नहीं होते थे, वो इतने जल्दी गुस्सा नहीं होते थे। ऐसा नहीं है कि वो संत है इसलिए उनको गुस्सा नहीं आता, इसलिए वो शांत है, और हम एक आम आदमी हैं इसलिए हमें ये सब चीज़ें, गुस्सा या क्रोध, ये सब चीज़ें आती है। ऐसा नहीं है, वो स्वभाव के ऊपर डिपेंड है। अगर हम चाहें तो हम भी हमारे स्वभाव को बदलाव ला सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आज के स्टोरी से जानते हैं कि संत तुकाराम महाराज के स्वभाव में ऐसा क्या था कि वो उनके इतने शांत स्वभाव के थे, उनके स्वभाव का रहस्य क्या था। तो चलिए आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। संत तुकाराम महाराज एक बार अपने आश्रम में बैठे थे, उनके पास उनका एक शिष्य आया जो कि थोड़ा बहुत क्रोधित था। उसका स्वभाव था कि उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो वो महाराज बैठे थे, महाराज के पास आके बैठा और महाराज से उसने एक प्रश्न पूछा, महाराज आप हमेशा इतने शांत कैसे होते हो, आप किसी पे क्रोधित नहीं होते, किसी पे गुस्सा नहीं होते, किसी को कुछ भी गुस्से में भला बुरा नहीं कहते, क्या है इसका रहस्य, मुझे ये जानना है, क्योंकि मैं बहुत क्रोधित हूँ, मुझे बात बात पे गुस्सा आता है। उस पे संत तुकाराम महाराज क्या बोले पता है, उन्होंने कहा मुझे तो मेरे इस स्वभाव का रहस्य नहीं पता, परंतु मुझे तुम्हारा एक रहस्य पता है। उस शिष्य आश्चर्यचकित हुआ, उन्होंने बोला आपको आपके स्वभाव का रहस्य नहीं पता, परंतु मेरे स्वभाव का रहस्य पता है, या फिर मेरा एक रहस्य पता है, तो वो क्या है। संत तुकाराम महाराज ने उनको बोला कि आप अगले एक हफ्ते में मरने वाले हो। ये सुनकर वो शिष्य सुन्न हो गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको अब लगा कि गुरुवर्य ने ये क्या कह दिया, एक हफ्ते में मरने वाला हूँ, मीन्स मेरा जीवन अभी समाप्त होने वाला है। ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा टूट गया, अंदर से उसका मन चकनाचूर हो गया। किसी और ने ये बात बोली रहती तो वो शिष्य क्रोधित होता, गुस्सा होता और उस बात को सुन के भी अनसुना कर देता, परंतु यह बात गुरुवर्य की है। संत तुकाराम महाराज ने खुद उन्होंने बोला है कि अब तुम एक हफ्ते में मरने वाले हो, तो उसको लगा कि ये तो अब मेरे गुरुवर्य ने बोला तो ये बात तो सच होनी ही होनी है, मेरे पास सिर्फ एक हफ्ता है। इससे क्या हुआ, उस शिष्य का जो बर्ताव है वो एकदम से चेंज हो गया, एकदम से बदल गया। वो हर किसी से प्रेम से, प्यार से, बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगा, बहुत अच्छे से बात करने लगा, गुस्सा तो जैसे वो पूरा भूल ही गया। जिन जिन लोगों का मन उसने दुखाया था, उन सब से जाके उसने बात की, क्षमा मांगी, उन सब से प्यार से बर्ताव करने लगा। ऐसे करते करते एक हफ्ता बीत गया। अब उसको लगा कि अब मेरा दिन, अंतिम समय पास आ रहा है, तो मैं अपने गुरुवर्य से एक बार मिल लेता हूँ, उनसे आशीर्वाद ले लेता हूँ। इसलिए ये सोच के वो संत तुकाराम महाराज के पास गया। उसने बोला, महाराज अभी आपने जो मुझे समय दिया था एक हफ्ता, वो तो ख़त्म होने वाला है, अब मैं मरने वाला हूँ, तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, इसके बाद मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगा। संत तुकाराम महाराज ने उसके कहा, पुत्र मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर महाराज ने उससे प्रश्न पूछा, ये तुम्हारा एक हफ्ता कैसे गया, क्या तुमने अभी भी लोगों के ऊपर क्रोध निकाला, उनके ऊपर गुस्सा निकाला, उनको कुछ भला बुरा कहा। तो उस शिष्य ने क्या जवाब दिया पता है, उस शिष्य ने बोला, नहीं नहीं महाराज, मुझे पता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही हफ्ता है, तो इन सारी बेकार की चीज़ों में मैं मेरा वक्त क्यों बर्बाद करूं, मैंने हर किसी से प्यार से व्यवहार किया, मैंने हर किसी को अपना समझा, जिन जिन लोगों का मैंने मन दुखाया था उनसे जाके क्षमा मांगी, मैंने सबसे अच्छा व्यवहार किया।
संत तुकाराम महाराज ने उससे पूछा कि अब तुमने मुझे जो प्रश्न पूछा था एक हफ्ते पहले कि महाराज आप इतना प्यार से रहते हो, आप कभी गुस्सा नहीं होते, कभी क्रोधित नहीं होते, तो इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया। तो उस शिष्य को समझ में आ गया कि महाराज ने मुझे वो मरने की सिर्फ एक धमकी दी थी। महाराज उसको बोले कि मैं हर दिन ऐसे ही बिताता हूँ, मुझे पता है कि मैं कभी ना कभी मरने वाला हूँ, तो अगर मेरा जीवन कभी ना कभी तो अंतिम समय आने ही वाला है, तो ये क्यों ना करे कि जितना समय हमारे पास है हम लोगों से अच्छा व्यवहार करें, अच्छे कामों में हमारा समय व्यतीत करें, लोगों से प्यार से बात करें, किसी को भी भरा बुरा मत कहिए। महाराज ने वहाँ पे उसको जवाब दे दिया, मैं यही सोचता हूँ कि मेरा अंतिम समय आने वाला है कभी ना कभी, इसलिए मैं हर एक इंसान से प्यार से बात करता हूँ, ये है रहस्य कि मुझे कभी भी क्रोध नहीं आता। उस शिष्य को समझ में आ गया कि महाराज ने मुझे ये सीख देने के लिए ये बात बताई थी कि मैं मरने वाला हूँ। उस दिन से उस शिष्य ने ये जो बात है जो महाराज ने उसे बताई थी उसने वो गांठ मार के रख ली मन में कि अब मुझे ऐसे ही मेरा जीवन व्यतीत करना है, हर एक से मुझे प्रेम से प्यार से बंधु प्रेम से व्यवहार करना है, और मैं कभी ना कभी मरने वाला हूँ, तो मैं ये फालतू की बातों में मेरा वक्त क्यों ज़ाया करूँ, किसी पे गुस्सा होना, किसी को भरा बुरा कहना, ये सारा तो मेरा समय बर्बाद है, इससे अच्छा है हर एक इंसान से एक बंधु प्रेम की व्यवहार से मैं पेश आऊँ। तो यहाँ पे उसने ये महाराज की बात को अपने मन में गांठ मार ली और उस समय से उसका जो बिहेवियर है, उसका जो स्वभाव है, उसने बदल दिया। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस कहानी का बोध क्या है कि हम कभी ना कभी मरने वाले हैं, ये एक बात उन्होंने बोली है, बट हाँ ये सारी बातों में हमें हमारा वक्त बर्बाद नहीं करना, गुस्सा होना, किसी को भरा भुला कहना, किसी के बारे में कुछ कमेंट पास करना, किसी के बारे में कुछ गॉसिप करते बैठना, इससे अच्छा है कि जो हमारे पास समय है वो हम अच्छे कामों में व्यतीत करें, हर किसी के साथ एक सलीके का व्यवहार करें, किसी के बारे में किसी के पीठ पीछे कुछ ना बोले। इससे क्या होगा, हमारा समय भी बहुत अच्छा जाएगा, हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा, और हमारे मन में कोई भी ये बात नहीं आएगी कि मैंने किसी के बारे में कभी बुरा बोला है। अपने क्रोध को हम बाजू में रख देंगे। तो ये होता है एक अच्छे व्यवहार का रहस्य। आई होप दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई है, मुझे भी ये कहानी बहुत पसंद आई। मैं भी मेरी ज़िंदगी में क्रोध करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं तो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बट ये छोटी छोटी कहानियाँ जैसे मैं आपके लेके आती हूँ तो उससे सबसे पहले मुझे बोध मिलता है, मुझे पता चलता है कि मेरे नेचर में मुझे कहाँ बदलाव करने हैं। ऐसे ही हम सबको एक दूसरे के साथ प्यार से व्यवहार करना है, गुस्से को क्रोध को छोड़ दीजिए, जितना हमारे पास समय है मस्त इन्जॉय कीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, आपको ये कहानी पसंद आई। अगले गुरुवार ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियाँ लेके मैं आऊँगी। अगर उससे पहले आपने मुझे कुछ रिकमेंड कर दिया कि शर्वरी हमें ये कहानी बताओ, तो वो कहानी मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगले गुरुवार हम पक्का मिलेंगे, तब तक आपका ख्याल रखिए, बड़े बुजुर्ग का बच्चों का ख्याल रखिए, मॉमन बोर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर कीजिए ये स्टोरी, बच्चों को ये स्टोरीज बहुत पसंद आती है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। एंड टिल देन बी ऑन बोर्ड एंड बी इन टच।